ये आपका पांचवा समारोह है ना, तो दसवें में मैं आऊंगा। आज ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग को इंक्लूसिव बना रहा है। ये छोटे बिजनेस, छोटे एंटरप्राइजेस को बड़े अवसरों से जोड़ रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर्स लोगों और कंपनियों का कामकाज आसान करने के लिए डेटा को यूज कर रहे हैं। ट्रेड प्लेटफॉर्म की मदद से छोटी संस्थाओं की लिक्विडिटी और कैश फ्लो बेहतर हो रहे हैं। ई रूपी एक ऐसा डिजिटल वाउचर बना है जिसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के ये प्रोडक्ट्स विश्व के दूसरे देशों के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं। और इसी सोच के साथ हमने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे G20 मेंबर्स ने खुले दिल से स्वीकार किया था। मैं AI के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं, इसलिए भारत ने AI के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का भी आह्वान किया है। साथियों, फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। हाल में हमने एंजल टैक्स को हटाया है। ठीक नहीं किया? नहीं, ठीक किया है ना। हमने देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। हमने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। मेरी हमारे रेगुलेटर से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, पहले के जमाने में बैंक डूबने वाली है या बैंक डूबी है या डूब जाएगी, ये बात फैलते हुए इम्पैक्ट होते होते 5-7 दिन निकल जाते थे। आज अगर किसी व्यवस्था में पता चला कि इस पर साइबर फ्रॉड है, 1 मिनट में मामला पूरा, वो कंपनी गई। फिनटेक के लिए बहुत जरूरी है और साइबर सॉल्यूशन, उसका बाल मृत्यु बहुत जल्दी हो जाता है। कोई भी साइबर सॉल्यूशन निकालिए, उसका बेईमान लोग तोड़ निकालने में देर नहीं करते, तो उस सॉल्यूशन का बाल मृत्यु हो जाती है, फिर आपको नया सॉल्यूशन लेके आना पड़ता है। साथियों, आज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ये भारत की प्राथमिकता है। हम स्ट्रांग, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम्स बना रहे हैं। हम फाइनेंशियल मार्केट्स को
एडवांस टेक्नोलॉजीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मजबूत कर रहे हैं। हम ग्रीन फाइनेंस से सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के उस इंक्लूजन के सैचुरेशन पर बल दे रहे हैं। मुझे विश्वास है भारत का फिनटेक इकोसिस्टम भारत के लोगों को क्वालिटी लाइफस्टाइल देने के मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है भारत का फिनटेक इकोसिस्टम पूरी दुनिया की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। और मुझे मेरे देश के युवाओं की टैलेंट पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, और मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, आवर बेस्ट इज येट टू कम। ये आपका पांचवा समारोह है ना, तो दसवें में मैं आऊंगा। और तब आपने भी कल्पना नहीं की होगी, वहां पर आप भी पहुंचे होंगे दोस्तों। आज अभी मैं आपके कुछ स्टार्टअप यूनिट्स वालों को मिला, सबको तो नहीं मिल पाया, कुछ लोगों को मिला, लेकिन हर एक को 10-10 होमवर्क देकर के आया हूं। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला क्षेत्र है साथियों, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है और उसकी मजबूत नींव यहां हम देख रहे हैं। इसी भरोसे के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण गोपाल जी के कहने पर हमने फोटो निकाली, लेकिन आपको निकाल लगेगा इसका क्या मतलब है। मैं फायदा बताता हूं, मैं एआई की दुनिया से जुड़ा हुआ इंसान हूं, तो आप अगर नमो ऐप पर जाएंगे तो नमो ऐप पर फोटो डिवीजन में जाएंगे, वहां अपनी सेल्फी रखेंगे, और आज कहीं पर भी आप मेरे साथ नजर आते हैं तो आपको अपनी फोटो मिल जाएगी। Thank you.